हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल। अब अपन स्टार्ट करेंगे सी प्लस आई एस मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको डेफिनेटली पूछेगा। इस सीरीज में जो आपको मैं टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर बताऊंगा, मैं एग्जाम में बहुत अधिक चांसेस है कि आपको उस 9 में से पूछें। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन इज सम द सीरीज। आपको एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि अपना ये कॉस का सीरीज है कि साइन का सीरीज है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 1/3 एक्स क्यूब साइन 3 थीटा माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो कॉस दिया है कि नहीं, तो अपने क्या होगा, ये कॉस की सीरीज होगी। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, कॉस का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जो सीरीज अपना लास्ट में बनेगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट आपको जो ये जो सीरीज दिया है दैट इज ऑफ सी कॉस सीरीज दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सी इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 1/3 एक्स क्यूब कॉस 3 थीटा माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर ये कॉस की सीरीज है तो साइन की सीरीज बताओ कैसे होगी, जहाँ पे कॉस दिया वहाँ पे साइन लिख दो। तो दिस विल बिकम एक्स साइन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 1/3 एक्स क्यूब साइन 3 थीटा माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सी प्लस आई एस बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो सी प्लस आई एस जब करूँगा मैं, देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, आपका एक्स कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो एक्स कॉमन निकलने बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा, ये अपना सी प्लस आई एस है, तो प्लस आई इंटू जो एस वाला दिया दैट इज साइन थीटा, ये अपना हो गया। तो देखो यहाँ पे अपना कॉमन क्या निकलेगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर पर कॉमन निकल जाएगा। देखो अपने क्या होगा, ये कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये अपना हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, 1/3 एक्स क्यूब, यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ये अपना हो गया। फिर माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया। आपको ये बात पता होना चाहिए दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपना क्या होता है, ए की पावर आई थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए की पावर आई थीटा अपना क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अपना फॉर्म है जिसको अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर आई थीटा लिख दिया इसको, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ये बताओ क्या हो जाएगा, ए की पावर आई 2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये अपना क्या है, यहाँ पे जो कॉस और साइन के साथ जो एंगल दैट इज 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर आई 2 थीटा, जो एंगल में होता है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। तो वैसे यहाँ बताओ क्या होगा, 1/3 दिस विल बी एक्स क्यूब इंटू ई की पावर आई 3 थीटा, ये अपना ऐसा हो गया। फिर माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखूँगा मैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई थीटा माइनस हाफ, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ई की पावर आई थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, क्यों इसको ऐसा कर लेंगे तो ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो अपने क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आई 2 थीटा मिलेगा। वैसे यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स ई की पावर आई थीटा रहने दो, इसका क्यूब कर लो, अपॉन में 3 कर लिया, माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज बन रही है ना आपके यहाँ पे, दिस इज लॉग सीरीज, लॉग 1+x की सीरीज बनेगी। जिनको लॉग की सीरीज नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लॉग 1+x जो सीरीज बनता है दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन में 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये अपना क्या है, लॉग की सीरीज होती है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज सी प्लस आई एस, इसको हम लिखेंगे लॉग, है ना, 1+x, तो 1 अपना क्या होगा, 1 रहेगा, प्लस x मतलब देखो यहाँ पे ये अपना क्या था, यहाँ पे x था कि नहीं, तो ये अपना क्या होगा, पूरा पूरा x हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज x इनटू e की पावर i थीटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो e की पावर थीटा लिखा कि नहीं, और देखो e की पावर थीटा अपना क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको अपन ऐसे सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो लॉग 1+x इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अपना हो गया, इसका ऐसा ब्रैकेट हम इसको क्लोज कर लो।
अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स एक्स साइन थीटा, इसको अपन लिख दिया सा। ओके अब ये जो है ना ये अपना क्या होगा, ए हो जाएगा, दैट इज रियल पार्ट, और यहाँ पे जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस इज माई पार्ट बी दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो ए प्लस आई बी वाला फॉर्म में हुआ कि नहीं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है लॉग का, लॉग ए प्लस आई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, हाफ लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन में ए, ये अपना फार्मूला होता है, ठीक है, लॉग ए प्लस आई बी का। ओके अब इसको जब अपन जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका इसको देखो हम क्या लिखेंगे, हाफ लॉग इसको अपन ए माने कि नहीं, तो वन प्लस एक्स कॉस थीटा का होली स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा का होली स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हुआ कि नहीं, इसको मैं लिख दिए, ठीक है, प्लस आई इंटू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन में, बी मतलब ये दैट इज एक्स साइन थीटा अपॉन में ए दैट इज वन प्लस एक्स कॉस थीटा, ये अपना हो गया, ठीक है। अब चूंकि अपने क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, फिर अपने को दिया है कॉस वाला सीरीज, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो कौन सा होगा, जो अपना रियल पार्ट है, अगर यहाँ पे साइन की सीरीज दी होती तो हम यहाँ पे क्या करते, जो इमेजिनरी पार्ट का जो होता है ना उसको अपन आंसर लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको कॉस की सीरीज दी हुई तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको ही अपन यहाँ पे आंसर बोल के कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग द रियल पार्ट, ठीक है, तो रियल पार्ट करने से क्या होगा, देखो ये अपना क्या सी प्लस आई एस था कि नहीं, तो सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का है और आई एस मतलब एस मतलब क्या होगा, सिर्फ टेन इनवर्स ऑफ दिस वाला पार्ट, तो मुझे क्या चाहिए कॉस वाला पार्ट चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा आप है ना, कॉस वाली सीरीज दी हुई थी यहाँ पे अपने को है ना, दैट इज रियल पार्ट का दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा अपना सी इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स कॉस थीटा का होली स्क्वायर, इसको ऐसा करो प्लस एक्स साइन थीटा का होली स्क्वायर, ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, एक आधो लाइन इसको स्टेप इसको दिखा भी सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लाकर इसको छोड़ भी सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।